चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। साल 2018 की विदाई और साल 2019 के आगमन के मौके पर सभी लोगों ने जमकर मस्ती करते हुए नजर आए, साथ ही साथ सभी लोगों ने जमकर डीजे पर नाच गाना करते हुए भी नजर आए। लेकिन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कुछ नए ढंग से हैप्पी न्यू ईयर का आगाज किया है। जी हाँ, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाते हुए नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2019 के आगमन पर अपने बेटे युवराज और अपनी बेटी कृति के साथ 2019 का बर्थडे केक काटा है। जी हाँ, 2019 का केक काटकर उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर 2019 विश किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह फोटोग्राफ भी डाला, जिसके बाद सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फैंस इस फोटो को भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा जा रहा है। साथ ही साथ इसे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने 2019 के आगमन पर कई ऑफिसर्स में केक काटते हुए नजर आए, साथ ही साथ सभी लोगों से अपील किया कि वह बहुत ही प्यार से 2019 का विश करे, यानी कि 2019 का स्वागत बहुत ही प्यार तरीके से करे। आपको बता दें कि 2019 में खेसारी लाल यादव की कई बैक टू बैक फिल्में आने वाली है और 2019 में खेसारी लाल यादव का गाना न्यू ईयर पार्टी सॉन्ग लवर का ग्रीटिंग कार्ड आया है, जबरदस्त तरीके से सभी डीजे और सभी के लोगों को दिलों पर छाया रहा। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।